ओम शांति। आज की मुरली है 18 दिसंबर 2020। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने आज याद दिलाया है कि रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम सदर्शन चक्रधारी हैं। सदर्शन मतलब चलते चलते हमें स्वयं का दर्शन, मतलब स्वयं में जो कमजोरियां हैं, जो जो सूक्ष्म में मनसा में हमारे विकार घुसे पड़े हुए हैं, जो कभी कभी सुषुप्त अवस्था में जागृत होते हैं, उनको हमें देखना है। और बाबा ने कहा कि विचार सागर मंथन करना है, तो विचार सागर मंथन मतलब मुरली के पॉइंट का अब हमें पढ़ना तो है, याद तो करना है, साथ में उसका अभ्यास भी करना है। अभ्यास कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक उसका विचार सागर मंथन गहराई में नहीं जाएंगे, जब तक वो हमारे, जब कहते हैं ना कि जो ज्ञान हमारे अंदर, बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि बच्चे आपके विकर्म इसलिए खत्म नहीं होते, विकार इसलिए लंबे समय तक चलते हैं क्योंकि आपने ज्ञान को स्पष्ट नहीं समझा है। जिस जो विकर्म है, जो विकार है अंदर, जो हमारे अंदर असुर गुण है, उसके बारे में सूक्ष्मता से, गहराई से एक एकाग्र होके हमें उस पर विचार करना है। और उसी विकार के ऊपर जो बाबा ने पॉइंट बताई है, उन पॉइंट के ऊपर मनन और चिंतन और मंथन करना है गहराई से। जब हम अपने विकर्म, अपने अंदर की मन की स्थिति को सूक्ष्मता से समझ लेंगे तो हम अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। नियंत्रण जब तक मन में नहीं होगा, तब तक हम कितना भी पुरुषार्थ करें वो ऊपर ऊपर ही होगा। तो हमें बदलाव अंदर से लाना है, ऊपरी ऊपर से नहीं। फिर बाबा ने प्रश्न कहा, अपनी उन्नति का करने का सहज साधन कौन सा है। अब बाबा ने इसमें बड़ी सूक्ष्म बात पूछी है और बताई है कि अपनी उन्नति का सूक्ष्म सहज साधन कौन सा है। तो उत्तर में बाबा ने कहा, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं आज, अब उन्होंने अपने जीवन में अभी भी डायरी मेंटेन करते हैं। कोई भी आप सफल व्यक्ति की जीवन कहानी पढ़ लो, उन्होंने अपने जीवन में एक चीज हर सफल व्यक्ति में कॉमन मिलेगी, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे विश्व की कोई भी सफल आत्मा, उन्होंने अपने जीवन में एक डायरी मेंटेन की है, अपने जीवन काल का पोता मेल रखा है। और उस पोता मेल का साइंटिफिक रीजन ये है कि आपके अंदर मेमोराइजिंग पावर बढ़ती है और आप जो दिनचर्या में जो गलतियां करते हो, उन गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। तो ये बाबा ने बहुत अच्छी चीज बताई है कि पोता मेल रखो, चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया है। लिखना है हमें, कोई आसुरी काम हुआ है तो उससे हमें अपनी गलतियां महसूस होंगी। और रात को कहते हैं जो चीज हम लिखते हैं या जो चीज पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं दिनचर्या में, तो वो हमें सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज जाती है और उसको दूर करने के लिए हमें अंदर से प्रेरणा, अंदर से जो जागृत होती है शक्ति। तो बाबा ने फिर आगे कहा, जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। दैवी गुणों का रजिस्टर रखना है तो उन्नति होती रहेगी। गीत में बाबा ने कहा, दूर देश से रहने वाला आया देश पराय। फिर धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है, उसी बुद्धि के आधार पर देवी गुण धारण करनी है, किसी को दुख नहीं देना है। आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि ना जाए। दूसरा, बाप के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आप ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है, कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। जब हम दिनचर्या में यही एक बात याद रखें कि कोई दुख देता है तो हमें उसकी बात सुनी अनसुनी कर देना है। लेकिन ये बहुत गहरा ऊंचा पुरुषार्थ है, इसके लिए हमें बहुत
बहुत ज्यादा गहराई में और बहुत स्मृति अलर्ट अटेंशन एक्टिव रहने की जरूरत है। जब कोई कैसी भी बात सुनाता है उस समय अगर हम हमें ये पॉइंट भी याद रहती कि बाबा ने आज ये कहा है विशेष, क्योंकि जो पॉइंट आती हैं लगभग बाबा ने आज की मुरली में भी कहा कि बच्चे सबके बीमारियां अलग अलग हैं, अपनी अपनी बीमारियां हैं, और मुरली में बाबा वैसे ही राय देते हैं सबकी, सबका जो अंदर बीमारियां है ना उसकी मर्ज का इलाज होता है मुरलियों में। तो कोई ना कोई पॉइंट हमारे लिए जरूर होती है, तो हमें उस पॉइंट, क्योंकि मन का एक स्वभाव बहुत अच्छा है, हर किसी का प्रैक्टिकल अनुभव होगा कि हमें वही पॉइंट ज्यादा टच होती है मुरली में से जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, विकार हैं, जो दोष हैं, उसी दोष के अनुसार हमें टच होती है पॉइंट। वो भगवान की मदद का हो या कुछ भी का हो, लेकिन वो करता है। अगर हम थोड़ा भी अपने हिम्मत से, शक्तिशाली स्वरूप से थोड़ा भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं, तो बाबा कहीं ना कहीं से हमारे लिए जो सही है, श्रेष्ठ है, वो मदद करता है। और एक विशेष बात कि इस जीवन में पुरुषार्थ अगर आप कर रहे हो तो आपको शक्ति ऊपर से मिलेगी, और आपको क्या पुरुषार्थ करना है वो टचिंग भी बाबा आपको देगा। किस समय क्या पुरुषार्थ करना है अगर आप उसकी मर्यादा श्रीमद् प्रमाण चल रहे हो, भले आप में लाखों कमजोरियां हैं, लेकिन आप उसकी मदद, उसकी श्रीमद् प्रमाण शक्ति स्वरूप होके, धारणा स्वरूप होके चल रहे हो, चलो आप कुछ भी नहीं भी समझ में आ रहा है आपको, ज्ञान हो, आप सिर्फ अमृत वेला नहीं हो रहा पावरफुल, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसकी आज्ञा मान के, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, आप उठ बस रहे हो शक्तिशाली, आपको कुछ नहीं आता, आप नहीं जा सकते परम धाम, लेकिन आपने एक आज्ञा भी अगर उसकी मांगी मानी तो वो खुद खींचेगा आपको। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था कि चुंबक से लोहे से जंग निकल जाती है तो चुंबक खुद खींचने लगता है। जंग का साथ क्या, हमें कुछ तो हिम्मत रखनी है। बाबा ने खुद कहा है कि हिम्मत का एक कदम बढ़ा तो 1000 कदम भगवान के हैं, तो हमें हिम्मत का एक कदम उठ तो जाना है, हमें कैसे भी करके, झुट के यहाँ, लट के यहाँ, कुछ भी यहाँ, लेकिन हमें अपनी श्रीमत को तोड़ना नहीं है, खंडन नहीं करना है, खंडित ना हो। कल बाबा ने स्लोगन में कहा था कि साधनों का आकर्षण ही साधना का को खंडित करता है, तो साधनों का आकर्षण हमारी साधना खंडित ना करे। वरदान में बाबा ने कहा, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। हमारे सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से हो, तब बाबा ने कहा कि अथक, उसमें अथक और विघ्न विनाशक भव। तो बाबा ने डिटेल में कहा, जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ है उनको और संबंध और सब संबंध में तमात अनुभव होंगे, बस सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे, बाप और सेवा इसी लगन में मग्न होंगे, विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे, सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा, सर्व कंप्लेन समाप्त होंगी, कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे। तो बाबा ने कहा कि कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे। स्लोगन है, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। बेवफा मतलब, बेवफा किनको कहा जाता है, जो दुनिया में जो एक दूसरे के प्रति जो आशुक मासुक होते हैं उनके प्रति अगर वफादार नहीं है, एक के साथ संबंध रख, अनेकों के साथ एक का संबंध रखना, अफेयर्स कहते हैं जिसे, अफेयर रखना, इसे कहते हैं बेवफा। तो अगर हमने भी संकल्प मात्र भी किसी देहधारी से आकर्षित भी हुए, किसी को देख के भी आकर्षित हुए, तो चाहे भाई भाई हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे बहन भाई हो, किसी भी संबंध में हमने आकर्षण रखा देश देहधारी से किसी भी प्रकार का, चाहे गुणों का, चाहे शक्तियों का, कोई भी प्रकार का आकर्षण है, इनका पुरुषार्थ अच्छा है, इनकी मूल्य अच्छी है, इनकी धारणा अच्छी है, किसी भी प्रकार का सूक्ष्म में भी आकर्षण है, तो बाबा से उसमें तलाक देना है, तलाक तलाक देना, बेवफा करना है। अच्छा, ओम शांति।